हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने सुबह नाश्ते में पेज टमाटर की चटनी और सूखी सब्जी बनाई थी, जिसका रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो सबसे पहले मैंने 1 कप चावल को 2 बार अच्छी तरह से धो लिया है और इसमें 2 गिलास पानी डाल दी हूँ। अब गैस चालू करके हाई फ्लेम में इसको चढ़ा दी हूँ। अब ढक के इसको पकाएंगे। अब दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और टमाटर को काटना शुरू कर दी है। जब तक कि कढ़ाई गर्म ना हो जाएगी, तब तक हम लोग टमाटर को काट लेंगे। मिर्ची अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले लें। मैंने 3 टमाटर के लिए 3 मिर्च यूज़ की है। कढ़ाई गरम हो गई है, इसमें तेल भी डाल देंगे। दूसरी तरफ हमारी पेज भी उबल गई है। अब इसको इसकी फ्लेम धीमी कर देंगे और उबलने देंगे। सरसों डाल देने के बाद कटी हुई टमाटर, मिर्च और नमक को डाल के अच्छे तरह से मिला के ढक देंगे। अब पकने देंगे। दोनों तरफ एक एक चीज़ इस तरह से पक रही है। अब हम सूखी सब्जी की तैयारी करेंगे। इसके लिए मैंने रात में चना भिगा दी थी और कुंदरू की सब्जी बनाएंगी। दोनों को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। टमाटर की सब्जी जल्दी हो गई, सॉरी चटनी, और इसको हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। इसमें पानी डालना पड़ेगा क्योंकि ये ज़्यादा पानी नहीं निकला इसमें, तो इसमें 1/2 कप पानी डाल देंगे। और थोड़ा सा बॉईल होने के बाद ऊपर से हरी धनिया पत्ती में गार्निश करके ढक के थोड़ी देर और पकने देंगे और बंद कर देंगे गैस। अब मैंने एक और कढ़ाई चढ़ा ली है, सूखी सब्जी की तैयारी करना शुरू कर दी है। इसको कुंदरू को गोल गोल बारीक बारीक काट लिया है। इस तरह से मैंने पूरे कुंदरू को बारीक बारीक काट लूँगी। बीच बीच में हम पेज को चेक करते रहेंगे। ये पेज हो गया है, अब इसको हम ढक देंगे। इस तरह मैंने काट ली है और चना को भी उसी प्लेट में निकाल लेंगे क्योंकि दोनों को एक साथ बनाएंगे। कढ़ाई में तेल डाल देंगे, सरसों डाल देंगे और प्याज लहसुन धनिया पत्ती का पेस्ट डाल देंगे। हल्दी पाउडर डाल के मिला देंगे। अब हमारी कुंदरू और चना को भी इसमें पूरा डाल देंगे। अच्छी तरह से नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाकर ढककर पकने देंगे। इस तरह से बीच बीच में चलाते हुए पकाते हुए बहुत देर हो गई है। ये देखिए 15 मिनट बाद इस तरह से पक गई है। अब इसको ढक्कन खोल के पकाएंगे और इसमें मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर डाल के 5 मिनट और पकने देंगे। हमारी सूखी सब्जी भी तैयार हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग।